दोस्तों अगर आपको इंस्टेंटली पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, चाहे SBI का सिंपली सेल्फ क्रेडिट कार्ड हो या फिर SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो, चाहे जो भी क्रेडिट कार्ड हो, अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो दोस्तों आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड के बेस पर ही इंस्टेंटली पर्सनल लोन आप ले सकते हैं, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। आज के इस वीडियो में आपको इसका प्रोसेस लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे HDFC क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंट जंबो लोन का ऑफर होता है, सेम उसी तरीके से SBI क्रेडिट कार्ड पर भी एक इनकेश नाम से लोन का ऑफर होता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर ये वाला ऑफर है तो दोस्तों आप यहां से इंस्टेंटली पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी 48 घंटे में। 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के। लेकिन दोस्तों ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपने वीडियो को जरा भी स्किप कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निक्स 44 में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो SBI क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैंने SBI क्रेडिट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है या फिर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो दोस्तों इस टॉपिक में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। मुश्किल से 3 या 4 मिनट की वीडियो है, उस 3 या 4 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से SBI क्रेडिट कार्ड मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो पाएंगे। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है या फिर आप चाहें तो अपना MPIN के साथ भी इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पासवर्ड या MPIN आपको वही डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी चॉइस का सेट करेंगे, वही MPIN या पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो टोटल लिमिट है और अवेलेबल लिमिट वगैरह ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आप ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाइन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेनिफिट्स, यहाँ पर मैंने इसे हाईलाइट भी किया हुआ है, यहाँ पर आपको बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप बेनिफिट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास जितने भी ऑफर्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, मेरे पास अभी टोटल 5 ऑफर्स अवेलेबल हैं। इसमें दोस्तों पहला ऑफर है बैलेंस ट्रांसफर का। बैलेंस ट्रांसफर में क्या है कि आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड में बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है इनकेस लोन ऑफर का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस ऑफर के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद तीसरा है इजी मनी का और चौथा है फ्लेक्सी पे का और पांचवा जो ऑफर है वो गेट न्यू क्रेडिट कार्ड का, यानी कि दूसरा कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इनकेस ऑफर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस ऑफर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इनकेस ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ये ऑफर आ रहा है तो दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है गेट ए प्री अप्रूव्ड इनकेस ऑफर अप टू 2,50,000 एट ए नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों ये नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं और 2,50,000 का मुझे जो अमाउंट प्रोवाइड किया गया है लोन के तौर पर, मैं यहाँ से 2,50,000 रुपये तक ले सकता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अलावा। यानी कि मेरे क्रेडिट कार्ड के भी टोटल लिमिट 1,53,000 है और मेरी जो लिमिट के अलावा मुझे जो ऑफर प्रोवाइड किया गया है वो 2,50,000 का दिया गया है, यानी कि 2,50,000 तक का यहाँ से लोन ले सकता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए इस अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर आप देखते हैं 4 स्टेप आ चुके हैं और ये पहला स्टेप ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें दूसरा स्टेप कंप्लीट करना होगा, दूसरे स्टेप में रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह लिखा रहेगा, ऐसे करके हमें तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप कंप्लीट करना होगा। जब हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे में जो बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हम पहला स्टेप कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एनईएफटी और चेक का। अगर आप चाहें तो एनईएफटी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप चेक वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनईएफटी वाला ऑप्शन चूज करें, क्योंकि अगर आप एनईएफटी वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में जल्दी से जल्दी बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप चेक वाला ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों आपके पास चेक आने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपको जो पैसा मिलेगा उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनईएफटी वाला ये ऑप्शन चूज करें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जिस अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफर कराना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से री एंटर कर देना है अपना बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड एंटर कर देना है। आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक एरो टाइप में आइकन बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके जो ब्रांच की डिटेल है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर मेरी जो ब्रांच की डिटेल है वो आ चुकी है, और मेरी जो ब्रांच है वो इंदिरापुरम गाजियाबाद की ब्रांच है जिसमें मेरा अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है आदित्य सिटी इंदिरापुरम गाजियाबाद, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहेगा कंटिन्यू, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, जहाँ पर मैंने स्लाइड भी किया हुआ है यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, पहला रहेगा रिकमेंडेड ऑफर का, यानी कि दोस्तों कंपनी आपको रिकमेंड कर रही है वो ऑफर, और दूसरा आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना जो ऑफर है वो खुद क्रिएट करें, यानी कि आप जो टाइम पीरियड है पे करने का, इस अमाउंट को जो आप लोन अमाउंट लेंगे उसे पे करने का जो टाइम है उसे आप यहाँ पर अपनी चॉइस के अनुसार भी इसमें चूज कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों रिकमेंडेड ऑफर में, दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13% दिखा रहा है पर सालाना, और जो इसका जो टाइम दिखा रहा है वो 24 महीने का, यानी कि 2 साल का टाइम दिया जाएगा, और इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2% की और 2000 रुपये की यानी कि लगा दी गई है। अगर आप इसे हम खुद क्रिएट करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सिलेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हालांकि यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो 13% का ही दिखाएगा। इसके बाद जो टाइम है हम इसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, इसके बाद 12 महीने का भी ऑप्शन दे दिया गया है और 36 महीने का भी ऑप्शन दे दिया गया है, वो आपको अपनी चॉइस के अनुसार आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया प्रोसेसिंग फीस पे, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो 2000 रुपये की लग रही है। अगर आप इसे खुद अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं करना चाहते दोस्तों यहाँ पर आप लिस्ट पर क्लिक करके इसे इरेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रिकमेंडेड ऑफर की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं रिकमेंडेड ऑफर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने अनुसार इसमें चूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करके इस सभी को हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको बुक नाउ पर क्लिक कर देना है अगर आप रिकमेंडेड ऑफर वाले ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो कम्प्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा वेरीफाई एंड कन्फर्म योर बुकिंग, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, अच्छी तरह से आपको चेक कर लेना है कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो EMI वगैरह है इसमें सभी डिटेल्स कुछ इस तरीके से लिख रहेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर अमाउंट जो बुकेड अमाउंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख रुपये, और जो यहाँ पर टाइम दिखा रहा है पे करने का मुझे 24 महीने की EMI रखी मैंने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13% का यहाँ पर दिखा रहा है, और जो EMI आने वाली है मेरी 4754.18 रुपये की आने वाली है, और जो प्रोसेस फीस है 2000 रुपये की और 360 रुपये का टैक्स लगा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल में आपके जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे, एक बार अच्छी तरह से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर अच्छी तरह से आपको कंफर्म कर लेना है। जब आपको लगता है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है और जो IFSC कोड है एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आई एग्री पर टिक करना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो तीसरा स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। चौथे स्टेप में सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कराना होगा। जैसे आप OTP को वेरीफाई करा देंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में जो आपका लोन का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस ऑफर को मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपके क्रेडिट कार्ड पर ये ऑफर है तो दोस्तों आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।